पुलिस की गिरफ्त में जिस शख्स को आप देख रहे हैं इसका नाम राम सूरत है। इस पर आरोप है वीर बहादुर नाम के एक व्यक्ति की हत्या करने का। पुलिस के मुताबिक राम सूरत ने वीर बहादुर की सिर्फ हत्या इसलिए कर दी कि 15 दिनों पहले वीर बहादुर ने राम सूरत के घर के आगे जलेबी बनाने का काम शुरू किया था। राम सूरत ने वीर बहादुर को कई बार मना किया कि अपना काम मेरे घर के आगे से हटा लो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। राम सूरत पुलिस को चकमा देकर भाग पाता तब तक पुलिस ने प्रेमबाड़ी पुल से राम सूरत को गिरफ्तार कर लिया और राम सूरत ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। कि एक आदमी का मर्डर हो गया है। इसमें जो मरने वाला आदमी था ये वीर बहादुर नाम का व्यक्ति, इसकी जब मौके पे पुलिस टीम पहुंची तो एक पॉट के ऊपर इसकी पत्थर मार के इसके सर को क्रश करके इसका मर्डर कर रखा था। उसी एग्जामिनेशन के दौरान जब हमने वहाँ पे एग्जामिन करना शुरू किया तो जो इसका सन इन लॉ है मरने वाले का, उसने आकर यह बयान दिया कि एक राम सूरत नाम का व्यक्ति है, उसकी मेरे फादर इन लॉ के साथ काफ़ी टसल रहती थी कुछ एक इश्यूज़ को लेकर, और 14 तारीख में भी इन दोनों की आपस में काफ़ी बहस हुई थी और इस करके उसने थ्रेटन भी किया था कि मैं मार डालूंगा करके, और इसने जो है मेरे फादर इन लॉ को मार डाला। ये जो मारने वाला व्यक्ति राम सूरत वहाँ से एक्सपॉन्ड कर गया था टीम्स फॉर्म करने के बाद, इसको वहाँ प्रेमबाड़ी पुल के पास से कल ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया और इसने कन्फेस भी कर लिया क्राइम का, और जो इसके पूरे ब्लड सोक्ड जो कपड़े थे वो भी रिकवर कर लिए गए, और जिस पत्थर से इसने जो पीसेस थे रॉक के जिससे इसने इसका क्रश किया था उसको भी रिकवर कर लिया। इसमें जो इशू जो बतलाया गया कि इसमें जो मोटिव था कि क्यों मारा गया, इसमें जो डिजीज्ड है वो अपने एक जलेबी बनाने का एक उसने तखत टाइप का जो होता है इसके घर के सामने वो रखकर जलेबी बनानी 10-15 दिन पहले से शुरू किया था। ये जो मारने वाला व्यक्ति है ये बार बार इसी चीज़ को लेता था कि यहाँ से इसको अपना यहाँ से हटा लो, ये मेरी जगह है और इस स्पेस को यहाँ से ऑक्यूपाई ना करो। इसके अलावा वो ये जो है राम सूरत ये 38 ईयर्स ओल्ड है, तो ये इसको कुछ ताने भी देता था कि अभी इसकी देखो शादी नहीं हुई, तो इस करके भी कुछ ये प्रताड़ित था इस चीज़ से लेकर। इसने जब ये रात में किसी उसमें गया था जो सत्संग वगैरह होता है, मॉर्निंग में जब सत्संग से वापस आ रहा था तो इसने देखा ये कॉट के ऊपर सोया हुआ था, और उसी समय उसने वहीं के पास से पत्थर उठा के इसके सर पर दे मारा और ये अल्टीमेटली सकम टू दी इंजरीज। राम सूरत पीछे से देवरिया यूपी का रहने वाला है, 8वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ है, वो जूते वगैरह रिपेयर करने का काम करता है।